उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने एक लेखपाल को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। गौतम नगर चट्टी से पकड़ने के बाद टीम लेखपाल को लेकर सिधारी थाने पहुंची। वहां मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। दरअसल मेहनगर तहसील के गोपालपुर गांव निवासी श्रीराम चौहान की जमीन का किसी को पट्टा हो गया था। पट्टा समाप्त कराने के लिए श्रीराम चौहान ने एडीएम वित्त और राजस्व न्यायालय में वाद दाखिल किया। इसमें एडीएम वित्त और राजस्व ने तहसील के माध्यम से ही भूमि की जांच आख्या मांगी। तहसील से आख्या प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय लेखपाल मिथिलेश मौर्या को दी गई। मिथिलेश ने जांच आख्या श्रीराम के पक्ष में देने के लिए 10,000 रुपए की मांग की। इस पर श्रीराम ने सामाजिक संगठन प्रयास के माध्यम से एंटी करप्शन टीम गोरखपुर से संपर्क किया। रणनीति तैयार करने के बाद टीम जिले में पहुंची और यहां श्रीराम ने जैसे ही लेखपाल को 10,000 रुपए दिए, टीम ने उसे पकड़ लिया। हमारा जो है कि जमीन जो है कि पट्टा कर दिए थे पाले का नेपाल जो पट्टा कर दिए थे, दो आवास मेरा दोनों में पट्टा कर दिए थे और उसमें और आदमियों का मकान बना हुआ वो पट्टा कर दिए थे और कब्जा वाला भी मेरा पट्टा 2-3 जगह कर दिए थे सर। और मैं 30 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ सर। और एसडीएम एफ वित्त राजस्व अधिकारी का जो आदेश था नेपाल के लिए कि आप तहसीलदार के लिए कि जो है आख्या जो है मौके का मुआयना करके दिया जाए श्रीमान जी, तो इनके पास मैं गया, वो लोग दस्तखत कर दिए थे, नेपाल को कागज़ दे दिए थे और नेपाल ने कि हम गए शायद ये बहुत टाइट बोले और टाइट बोलने के बाद बोलते हैं कि बिना पैसे का काम यहाँ नहीं होता। हम कहें सर कितना पैसा चाहिए हैं, तो बोले कि 10,000 दोगे तो तुम्हारा काम करेंगे। हम शायद गरीब हैं, कहें मैं तो 20,000 लेता हूँ आपसे, 10,000 रुपया ले रहा हूँ तो क्या ले रहा हूँ, 10 रुपया आप दोगे तो इसके बाद मैं आपका काम करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा। रामधारी मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश गोरखपुर का। ये मेहनगर तहसील में आज एक आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या पूरा प्रकरण था? श्री राम चौहान गोपालपुर के रहने वाले हैं, इनकी आबादी की जमीन में मकान बना हुआ, उसकी पैमाइश के लिए लेखपाल के पास एसडीएम वित्त एवं राजस्व ने आदेश भेजा था, उसमें इनको पैमाइश करके रिपोर्ट लगाना था, उसी संबंध में आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। किस तरह कार्रवाई की जाएगी? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इनकी कार्रवाई होगी, मुकदमा सिधारी थाने में लिखाया जा रहा है, कल इनको कोर्ट में एंटी करप्शन कोर्ट में गोरखपुर पेश किया जाएगा। रणजीत सिंह, अध्यक्ष प्रयास सामाजिक संगठन। रणजीत जी, आज एक घुसखोर पकड़ा है, किस तरह से ये क्या करते हैं? ये देखिए, संगठन हम लोगों का भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है और इस तरीके से जो भी पीड़ित हमारे यहाँ आते हैं हम उनको जो है मतलब उनकी मदद जो भी बन पड़ता करते हैं और उसी क्रम में ये श्रीराम चौहान जी आए और अपनी व्यथा बताने लगे और कि ऐसा ऐसा मैटर है और लेखपाल साहब जो है 10,000 रुपया के नीचे मान ही रहे हैं, तो हम लोग इनको एंटी करप्शन टीम गोरखपुर ले गए और सोमवार के दिन वहाँ एप्लीकेशन दिया गया और आज टीम आई रंगे हाथ पैसा लेते लेखपाल को गिरफ्तार की। अब तक संगठन जो है 8 घूसखोरों को एंटी करप्शन सीबीआई द्वारा जेल भिजवा चुका है। आगे भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर इस तरीके से आप त्रस्त हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपसे घूस की मांग कर रहा है तो आप अविलंब प्रयास सामाजिक संगठन से संपर्क करें, हम उसको भ्रष्टाचारी को 72 घंटे के अंदर जो है घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़वा के अंदर करवाने का प्रयास करेंगे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।